हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं एस कुमार शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्हें गीत भजनों के बीच में म्यूजिक बजाना नहीं आता है। उसके कारण वो बहुत ही बड़ी परेशानी में उलझ जाते हैं। उनका मन भी करता है कि हमें भी कोई खास म्यूजिक बजाना आता होगा। मैं उनको एक तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका, और आप इसी तरीके को फॉलो करें और इसी को इम्प्लीमेंट करें, आपको म्यूजिक बजाना आ जाएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ताल कौन सी बज रही है। आप जो भजन गीत गा रहे हैं वो किस ताल में है। आप यदि ये नहीं जानते कि ताल क्या है तो आप म्यूजिक बजाएंगे कैसे, कितनी मात्राओं का म्यूजिक बजाएंगे। और ताल ये बताती कि जैसे मान लीजिए ताल कहरवा बज रही है, तो अब कहरवा ताल आठ मात्रा की होती है, तो अब म्यूजिक भी आपका आठ मात्राओं में बजाया जाएगा। ये आप ख्याल रखें। अगर दादरा ताल बज रही है, दादरा ताल छह मात्रा की, तो कहने का मतलब गीत गाने से पहले, संगत करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गीत कौन से ताल का है, तो आपको ये म्यूजिक बजाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको कहरवा ताल बता रहा हूँ। कहरवा ताल में आठ मात्राएं रहती हैं, आप सभी को मालूम होगा, और नहीं भी मालूम है तो आप याद रखें कि कहरवा ताल आठ मात्राओं की ताल होती है, जिसमें दो विभाग होते हैं चार चार मात्राओं के, यानी चार चार मात्राओं के विभाग। तो आपका जो म्यूजिक बजेगा वो चार चार मात्राओं में, यानी आठ मात्रा में बजेगा, चार चार करके, फोर फोर, फोर फोर बीट। और दूसरी बात, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको स्केल तो पता होना चाहिए, उसके बिना आप म्यूजिक कैसे बजाएंगे। आपका सा कौन सा है, पा कौन सा है, सा पा सा, क्योंकि आप जब गीत के बीच में कॉर्ड तो लगा के आप थोड़ा सा, जब आपका स्थाई खत्म हो जाता है पार्ट, तो आप बीच में थोड़े बहुत कुछ क्षणों के लिए रेस्ट लेते हैं, तो कॉर्ड में तो लेते हैं कॉर्ड पे हाथ रख करके, ऐसे सागा पा या सा पा सा, दोनों तरह से आप ठहराव दे सकते हैं। जैसे आप गीत गा रहे हैं और आपने कुछ बोलना भी है वो गीत, तो आप सा पा सा दबा के रखेंगे तो वो ताल में बजाता रहेगा ढोलक या तबला वाला। तो कहने का मतलब है आपको म्यूजिक कैसे बजाना है, सरल बे है, बहुत ही सिंपल तरीका। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ये समझ लिए कोई सा भी भजन हो आपका, यानी कि ताल कहरवा इतना मालूम होना चाहिए कि ताल कहरवा बज रही है, तो आप कैसे बजाएंगे म्यूजिक। देखिए, मान लीजिए मेरा सा ये है, पा ये है, और तार सप्तक का सा ये, तो ये तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बीच बीच में ऐसे जब हमारा फ्रेज खत्म हो जाता है, गीत के बोल खत्म हो जाते, तो हम ऐसे थोड़ा सा विराम ले लेते हैं इस तरह से, या सागा पा या कॉर्ड में सागा पा। अगर वो कोमल गा होगा तो ऐसे कोमल गा दबाएंगे, सा कोमल गा पा, शुद्ध गा होगा तो सागा पा, या इस तरह से, दो तरीके ये है। अब आप मान लीजिए आपका ताल कहरवा का कोई गीत चल रहा, तो आपने सिंपल म्यूजिक स्थाई बजा लिया, उसके बाद में आप क्या करें, आप बजाएं, पहले तो ये बजाएं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, दो बार बजाएं इसको, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, बोलना नहीं है, सिर्फ बजाना है, तो म्यूजिक बन गया आपका। और अंतरा उठा दीजिए, तो देखिए अब मैं इसी को ताल के साथ बजाता हूं, और एक दो और फॉर्मूले बताऊंगा ताकि आप ये बजा सकते हैं आसानी से। आपको आसान होगा बजाना। बहुत ही
सिंपल मैंने बजाया, सा रे ग म प ध नि स नि ध प म ग रे सा, ऐसे नहीं बोलना, सा रे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि स नि ध प म ग रे सा, आपकी जो एक मात्रा यहाँ पूरी हो जाएगी साफ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लौटते वक्त उतरते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 सा के ऊपर मात्रा पूरी हो जाएगी। तो आपको इस तरह से बजाना है म्यूजिक। एक पैटर्न तो आपका ये हो गया। एक मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी बजाना नहीं आता है, बिल्कुल वो ये बजाएं। दूसरा एक और म्यूजिक बताता हूँ, ध्यान रहे कि ताल आपकी पता होना चाहिए, आपको उसका सा पता होना चाहिए अपने गीत का, क्योंकि मैं देखो यहाँ से उठाया था सा रे ग म प ध नि स नि द प म ग रे सा, सा पे एंड किया। दूसरा और ये बजा दे, सा ग रे म ग प म ध प नि ध स नि ध प म ग रे सा, सा रे ग ये अलंकार भी है, सा रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध स नि ध प म ग रे सा, और लौटते समय आपने नि ध प म ग रे सा, मात्राएं पूरी आठ कर ली, सा पे एक मात्रा बढ़ गई सा। अब इसकी मात्रा है ना, एक दो सा सा ग रे म 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ये चार मात्राएं हो गई, और उसके बाद में लौटते समय आपकी जो है ना नि ध प म ग रे सा, सा के ऊपर मात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी और आपका ये रिस्क बिल्कुल बन जाएगा सही। ताल के साथ देखें, आपकी बची हुई मात्राएं ये साफ पे पूरी कंप्लीट हो गई। यानी चढ़ते समय 12 मात्राएं थी, सा ग रे म चार मात्राएं, सा ग रे म ग प म ध चार ही आठ हो गई, प नि ध स प नि ध स, यह यहाँ पर भी पूरी कर सकते, प नि ध स
ये यहाँ पूरी नहीं करना। प नी द स नी द प म नी, 12 जी हो गई, 13 14 15 16 17 18 19 और 20 भी यहाँ हो गई, और चार मात्रा और बढ़ जाएंगी साफ है। अब हम यहाँ रुक जाएंगे तो एक ये हो गया। और भी कई तरीके से आप सारे ग म प म ग रे प म ग रे सा ये भी बजाया जा सकता, सारे ग म प म ग रे प म ग रे सा। सारे ग म प म ग रे प म ग रे सा ये भी म्यूजिक है। बहुत सिंपल है, सारे ग म सारे ग म प म ग रे, देखो सारे ग म प म ग रे प म ग रे सा प म ग रे सा, सा पे तीन मात्राएं बढ़ जाएंगी। दूसरा प द नी सा रे सा नी ध प द नी सा, फोर फोर प द नी सा रे सा नी ध प म ग रे सा, यानी सापे मात्रा है आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी, यानी फोर फोर बीट्स कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई सा भी म्यूजिक बजा सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, डरना नहीं है, आपको बजाना है ताल में। पहले अपने घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब आप जाकर के मंडली में या स्टेज पर बजाएं, लेकिन तरीका यही है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।